ସିଲକିଆରେ ଟନେଲରୁ ସମସ୍ତ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ମୋ ସହିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଯାଇକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାର୍, ଯୋ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୁଆ, କ୍ୟା ଥା ଆପକା ରୋଲ ୟହାଁ ପେ? रेस्क्यू में क्या हुआ कि हमारी टीम पहले से निर्धारित कर दी गई थी कि मतलब 3 से 4 जो रेस्क्यूअर होंगे वो पहले लीड के उसमें जाएंगे, आगे जाएंगे फ्रंट में, जहाँ पे फंसे हुए हैं रेस्क्यूअर, वो सॉरी जो मजदूर थे जो फंसे हुए थे। तो 3 से 4 जो हमारे रेस्क्यूअर थे उन्होंने आगे गए, स्ट्रेचर प्लस रॉप जो भी इक्विपमेंट होता है हमारा रेस्क्यू करने का वो लेके गए। उसके बाद 4 से 6 लोग हम पीछे टनल के पीछे थे। जब उन्होंने वहां से टनल पे स्ट्रेचर के ऊपर उन्होंने जब विक्टिम को स्टेबलाइज किया तो हमने इनको उन्होंने वहां से पुश किया, हमने इधर से एक एक करके उनको क्या पुल करते गए। कुछ उसमें ऐसे थे जो बिल्कुल सक्षम थे मतलब चलने के लिए हर प्रकार से, तो उनको हमने नी पैड वगैरह होते हैं जो अपने एल्बो प्लस उसका होता है घुटनों का, उनको पहना के हमने ऐसे नॉर्मली भेज दिया। बाकी 8 से 10 जो मजदूर थे उनको हमने स्ट्रेचर पे स्ट्रेच करके भेजा है। पहले जो जो देखा आपने जो श्रमिक भाइयों को, क्या था वो चित्र? बहुत हैप्पीनेस थे, बहुत खुश थे वो। जब मैं मतलब हमने ये चीज इतने दिनों के अंदर तक रहे हो करीबन 17 से 18 दिन तक, तो जो उनका रिएक्शन देख के बहुत हम भी काफी खुश है कि मतलब उनको कोई पैनिक नहीं था, कोई इस तरह से उनके अंदर डर या भय टाइप का कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत खुश थे वो। और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी जब हम उनको बाहर निकालना स्टार्ट किया। फर्स्ट से और लास्ट तक के जो भी 41वां वो हमारे पास आया बहुत खुश थे उनका रिएक्शन। जो उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य कैसे सारे लोग? स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा था उनका, कोई मतलब हमें इस तरह से लगा नहीं कि थोड़ा सा भी मायूस हो या फिर बीमार टाइप का, सब बिल्कुल फिट एंड फिट थे। उसमें से ज्यादातर रेस्क्यूअर खुद ही अपना उस पे चल के आए, मतलब क्रोलिंग करके आए थे उसमें। बाकी जो थोड़े ओवर एज के थे 40+ को उन्होंने हमको स्ट्रेचर पे ही उनको लेटा के लाया था। उसका जो मेंटल कंडीशन कैसे था? वो तो हेल्थ है, मेंटल कंडीशन प्लस फिजिकली कंडीशन ऑल गुड, बहुत ही अच्छा था। मतलब हम किसी को ऐसा लगा नहीं कि ये बीमार है या पैनिक है या डरा हुआ है, इस टाइप से कोई वो रिएक्शन था नहीं उनका। जितने भी श्रमिक भाइयों ने अंदर था वो सब अपने आप आ गए है ना, आप उन लोगों को उठा के लाए? उठाए नहीं, उसमें कम से कम 12 से 15 रेस्क्यू वो थे श्रमिक भाई जिनको हमने स्ट्रेचर पे लेआउट किया कि 40+ थे जो, बाकी सब यंग थे उसमें 40 से अंडर थे। तो उनमें नी पैड पहनाया था हमने उनको ना, तो उन्होंने कहा हम खुद ऑटोमेटिकली जा सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो सुरंग में ही काम करते हैं, टनल में ही काम करते हैं, तो उनको इस तरफ से उतना कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी उनको, वो खुद ही उसमें मूव करना पता है उनको कैसे करना है। बाकी को हमने ऐसे निकाला, बाकी खुद आगे थे। इतना चैलेंज था ये पूरा ओवरऑल? चैलेंजिंग तो शुरू से ही है पूरे, उसके लिए चैलेंजिंग तो था ही, मतलब जब से ये सब चीज हुआ है तब से यहाँ अपना हर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे हम, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। अगर वो चीज नहीं होती तो हमने उसकी भी तैयारी करी थी वर्टिकल की, कि हमने किस तरह से उसको लिफ्ट करना है, तैयारी तो थी, चैलेंजिंग भी है, सब कुछ था। आपण सुनते जो चैलेंजिंग थिला स्पेशली एनडीआरएफ टीम पाई, से विस्तृत भाव में कहते एनडीआरएफ जवान किभल भाव श्रमिक मान पाखे पहुंचले उद्धार कले। उत्तरकाशी वीडियो जर्नलिस्ट नीरज को सह मनोज महांती, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।